मैं हूँ महाराजा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा YouTube चैनल नोमेड भाई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा को भी दबा लें। इस वीडियो में दिखाएंगे आज हम आपको हजारीबाग का सिनेमा हॉल और उससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को भी बताएंगे, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यही है हजारीबाग का सिनेमा हॉल। यहाँ पर एक साथ तीन तीन सिनेमा हॉल हैं और साथ में यहाँ पर एक थाली वाला नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जो काफ़ी प्यारा है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको यहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग बातों को बताते हैं। तो यहाँ पर एक साथ तीन तीन सिनेमा हॉल हैं और तीनों ही सिनेमा हॉल का एक ही मालिक है जो अभी वर्तमान में हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र का माननीय विधायक है और उनका नाम है श्री मनीष जायसवाल। तो ये तीनों सिनेमा हॉल श्री मनीष जायसवाल जी का है और यहाँ पर तीनों में से पहला का नाम है विशेश्वर। इसमें भोजपुरी सिनेमा को जनरली लगाया जाता है और विशेश्वर के बाद एक और है जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी में जनरली बॉलीवुड के बड़े फिल्मों को लगाया जाता है और उसके बाद उधर आपको एक दिख रहा है उसका नाम है बादल, और बादल में भी बॉलीवुड की फिल्मों को लगाया जाता है, कभी कभी वहाँ साउथ फिल्मों को भी लगाया जाता है। दोस्तों, इस मल्टीप्लेक्स में किसी भी स्क्रीन के लिए टिकट रेट जो है वो 100 रुपये से कम है, यानी यहाँ का जो मैक्सिमम टिकट रेट है वो 80 रुपये रखा गया है और जो मिनिमम टिकट रेट है वो 40 रुपये रखा गया है। अगर आप 80 रुपये का टिकट करवाते हैं तो आपको बालकनी में बैठने का मौका दिया जाएगा। अभी वर्तमान में जो सिनेमा लगाई गई है उसका पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है और ये है हमारा टिकट काउंटर। अब हम थोड़ा अंदर जाते हैं और अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। तो अंदर इस प्रकार का दृश्य मिलेगा। हम थोड़ा ऊपर जा करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस मल्टीप्लेक्स में और भी क्या क्या चीज़ हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कैंटीन है। दोस्तों, अब हम सिनेमा हॉल के बाहर आपको एक राउंड करके दिखाते हैं और बादल का दृश्य थोड़ा सामने से जाकर दिखाने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कैसा है ये बादल। वाह! और ये सिनेमा हॉल के पीछे का दृश्य है। पीछे से इस प्रकार हजारीबाग का लक्ष्मी चित्र मंदिर दिखता है। काफ़ी शानदार व्यू है इधर से। वाह, काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हजारीबाग में कुल 5 सिनेमा हॉल हैं, उसमें से 3 तो यहीं पर हैं और इसके अलावा 2 और हैं शहर में। एक है मोहन, जहां पर जनरली भोजपुरी फिल्मों को लगाया जाता है, और इसके अलावा एक और सिनेमा हॉल है इंद्रपुरी सिनेमा हॉल, जहां पर वो नेक्स्ट लेवल वाली फिल्में को लगाया जाता है, है ना। अब दोस्तों, अगर कभी आपको मौका मिले तो एक बार हजारीबाग का ये सिनेप्लेक्स जरूर पधारे। यहाँ पर अच्छे अच्छी फिल्मों को लगाया जाता है। यहाँ पर आकर के पिक्चर देख करके आपका मन काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी खुश महसूस कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें तथा अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। थैंक यू।